नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एमोंटो जीके देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपके मन में यही चल रहा है कि सर मैंने डीलेट का फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम भी दे दिया, आंसर की भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया और मेरा इतना सही हो रहा है, तो क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल रहे हैं वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जून तय की गई है। प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 2 जुलाई को जारी किए जाएंगे। बिहार डीलेट काउंसलिंग 2024 शुरू हुई, 26 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यह जागरण न्यूज का है, यह सही न्यूज है। आप 26 तारीख तक अपना अपना काउंसलिंग का फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल कर दीजिए। उसके बाद 2 तारीख को लिस्ट आएगा कि किनका सरकारी कॉलेज मिल रहा है और किनका प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। तो यह वीडियो आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको समझना होगा कि सरकारी कॉलेज मिलने का कट ऑफ कितनी जा सकती है और प्राइवेट कॉलेज मिलने की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद ही डीलेट किया हूँ सरकारी कॉलेज से, उसका खर्चा क्या है सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं कि सरकारी कॉलेज चुनने के बाद आपको कितने नंबर होने चाहिए या कितने नंबर हैं आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो एक कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। कट ऑफ का बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कट ऑफ का बात करते हैं जनरल वालों का। जनरल वाला का सबसे पहले बात करेंगे UR का, उसके बाद OBC का बात करेंगे, उसके बाद SC का बात करेंगे, उसके बाद ST का बात करेंगे, उसके बाद PH का बात करेंगे, उसके बाद जो है सो वुमेन का बात करेंगे, यानी फीमेल का बात करेंगे, फीमेल का बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका नंबर 80 प्लस है तो आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस 90% है। कितने परसेंट? 90% है। अभी जो भी मैं आप कट ऑफ बता रहा हूँ वो 90% उम्मीद रखिए कि इस नंबर से अधिक नंबर है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेज मिलने पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, मात्र आप 10 से 15 हज़ार के खर्च में सरकारी से डीलेट कर लीजिएगा, डिप्लोमा कोर्स कर लीजिएगा और बन जाइएगा टीचर, ठीक है ना। अगर आप OBC है तो OBC में बहुत ज़्यादा जो है सो भीड़ है और इसके चलते OBC का कट ऑफ जो है सो 78 प्लस है, तो मानिए कि आप सेफ जोन में हैं। 90% आस रखिए कि आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर SC है तो मानिए कि 75, ST है तो यही 75 प्लस आप मान सकते हैं। अगर EWS है, EWS एक छूट गया था, EWS है तो आप जो है सो 78 मान सकते हैं, क्योंकि EWS और OBC का कट ऑफ दोनों 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है, ज़्यादा का डिस्टेंस जो है सो नहीं रहता है। UR जो है 80 और 82 के ऊपर होगा तो ही मानिएगा, ठीक है ना। वही PH का हम बात करते हैं, देखिए PH में भी इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अगर PH में OH कैटेगरी है तो OH कैटेगरी में आपका अगर 70 प्लस है, 70 प्लस, तो ही उम्मीद रखिए कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। और बाकी OH को छोड़कर अगर बाकी कैटेगरी में 60 प्लस है और वही MD में अगर आपका 50 प्लस है तो उम्मीद रखिए कि आपको मिल जाएगा। OH कैटेगरी VIDD में 60 प्लस, OH में 70 प्लस और MD में 50 प्लस। वही फीमेल, जो भी जितने भी फीमेल महिलाएँ हैं उनका जो है सो 65 नंबर से अधिक है तो उम्मीद रखें कि उनका जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। यह कट ऑफ मैं अपने अनुमान के अनुसार बताया हूँ, यह कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, हो सकता है कि 2-8 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। तो इसी हिसाब से आप जो है सो अच्छा से कॉलेज चुनिएगा और सबसे पहले कॉलेज चुनने के समय सरकारी कॉलेज ही चुनिएगा, अपने आसपास का चुनिएगा, दूर का नहीं चुनिएगा। उसके बाद एक आध लास्ट में प्राइवेट कॉलेज भी आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सरकारी कॉलेज अगर नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज 1-2 दे रहिएगा तो ही उसमें आएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर अगला साल वेट करना होगा। इस साल से स्पॉट एडमिशन भी नहीं होगा, इसलिए सावधानी से काउंसलिंग कराइएगा और जो है सो जो भी सीट, जो भी कॉलेज आप चुनिएगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।